अच्छा, आपने हमें अभी आज एक डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, एक कोई कस्टमर आपके पास आई थिंक आया हुआ है नेक्सन टायर डलवाने। जी जी जी। तो ये शुरू का प्रोसीजर अभी हमें बताएं, पहले हम क्या करेंगे क्योंकि गाड़ी मेरे खाली ये खड़ी है कस्टमर की। हमने कस्टमर से डील किया प्रॉपर, ठीक है, कि उसने जो है वो पहले से अपना होमवर्क किया हुआ था कि मैंने नेक्सन टायर डलवाना है, ठीक है। तो उसके बाद उसने जो हमें बोला है कि आप जो है ना वो मेरे पुराने टायर्स का जो है ना वो रेट लगाएं, ठीक है। तो ये गाड़ी का हमने पहले रेट लगाया है और उनको हमने बताया है कि सर आपके जो टायर है ना ये इन टायर पर ये देख रहे हैं ये थोड़े से आपके हेयर लाइन फ्रैक्चर आए हुए हैं, क्रैक हुए हैं टायर आपके, हमने प्रॉपर उनको गाइड किया है, ठीक है। ऐसे रेट नहीं लगाया है कि जो है वो कस्टमर ये कहे कि यार आपने जो है वो किस बेस पे रेट लगाया, हमने प्रॉपर बताया कि ये देखें ये आपके टायर्स में क्रैक्स लगे हुए हैं आपको नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल। और ये देखें ये आपकी डेट लगी हुई है, मतलब कि 5 ईयर्स ओल्ड आपके टायर हो चुके हैं, ठीक है। और एक और बात ये है इमरान भाई, इस बेस पे भी इनको ये भी बताया कि आपके जो है ना ये देखिए ये दो अभी ये टायर खुल रहे हैं ना इन पुराने वाले, जी जी, ये दो टायर देखिए, ये दो टायर्स अच्छे हैं, जो अच्छी चीज है ये पीछे लगे हुए हैं, ये दो टायर्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हमने उस लिहाज से फिर इनको एक ऐसा रेट बताया, डिसेंट रेट बताया, इसके वजह से इन्होंने हमें कहा कि ठीक है सर आप जो है ना वो हमारी गाड़ी ओपन कर, ठीक है। अभी आप ये अभी इसके टायर चाहिए, अभी आप नए अभी इसके पुराने टायर उतरेंगे, अभी जी अभी इसके पुराने टायर उतरेंगे, चलो ठीक है, अभी इसके बाद देखते हैं, चलो जी जी। अच्छा मुझे भाई ये अभी टायर एक खुल गया है, जी जी इमरान भाई, तो अभी इसका क्या, ये पुराना टायर हमारा बंदा है, बहुत पुराना बंदा है और बिल्कुल पुराने टायरों का ये एक्सपर्ट है, तो ये फिजिकली भी हम चेक कर रहे हैं पुराने टायर को कि इस ये अंदर से स्वेल तो नहीं हुआ हुआ पूरा हुआ तो नहीं है। बशार साहब ये मुझे बताएं ये टायर आपने पिछला टायर खोला हुआ है, हाँ जी, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये पुराना टायर है इसकी क्या, अभी एक टायर आपने खोला आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है इसमें, टायर करने है टेढ़ापन है, इसको कैसे पता लगा आपको, कभी के ऊपर हाथ फेरे तो इसमें टेढ़ा टायर की पता चल जाता है कितना टायर टेढ़ा है, ठीक है ठीक है, अनबैलेंस होता है ना गाड़ी मखसूस स्पीड के ऊपर जाकर वाइब्रेशन करती है, ठीक है, और कामती है गाड़ी, ठीक है ठीक है, सही है। तो ये अभी फिलहाल पिछला टायर जो है वो टेढ़ा है, ठीक है, चलें। और ये फ्रंट का है, ये लेफ्ट साइड के दोनों टायर खुल गए हैं, ये फ्रंट का टायर है, इसके क्या प्रॉब्लम है ये अभी चेक करते हैं, सही। जी बशार साहब इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको, ये ज़्यादा यूज़ हो चुका है अगला टायर है, ये आगे वाला ज़्यादा यूज़ हो चुका है, इसमें कोई क्रैक्स वगैरह हैं, क्रैक्स नहीं है इसमें, ये सिस्टम है जो मैं, अच्छा ये देखें ये कुछ क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, हाँ ये क्रैक ही है, ठीक है, टायर तो टेढ़ा नहीं है, टेढ़ा नहीं है ये, ठीक है टायर, ठीक है, लेकिन एक यूज़ ज़्यादा हो चुका है, फ्रंट है इसलिए हो गया, और पुरानी डेट का टायर है, पुरानी डेट का टायर है, ठीक है सही। अच्छा बशार साहब ये लेफ्ट साइड वाला जो टायर आपने खोला पिछला, इसका क्या सीन है, ये ठीक है, इसमें कोई क्रैक्स वगैरह हैं पिछला टायर है, कोई क्रैक्स नज़र आ रहा है बॉडी में अंदर देख रहे हैं, ये क्रैकी, अच्छा कहाँ पे है ये सब पूरी, अच्छा हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रैक नज़र आ रहे हैं, पुरानी डेट का है ना, तो अच्छा हाँ ये क्रैक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसका अगला टायर देख लें, ये लेफ्ट साइड का अगला टायर देख लें, क्योंकि चारों टायर खुल गए हैं, चौथा टायर दिखाएं मुझे, चौथे टायर ये वाला, अच्छा ये, अच्छा एक तो इसका पंचर लगा हुआ है, ठीक है, सुम्बे का पंचर लगा हुआ है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी इसकी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, इसमें भी क्रैक्स है, ठीक है, चले तो इसका मतलब है टायर तो चेंज करना ही करना है, ठीक है। अच्छा मोहित भाई हमने टायर्स को चेक कर लिए, अभी डिज़ायर से बात टायर्स चेंज करने हैं, अभी आपकी कस्टमर से डील हो गई है, तो कस्टमर ये कौन सा साइज़ ले रहा है और कौन सा ब्रांड ले रहा है, कस्टमर जो है वो इमरान भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो होमवर्क करके आए हुए थे, उन्होंने आपके साथ ही बोला कि हमें जो है ना वो नेक्सन का टायर ही डालना है, ठीक है, तो साइज़ क्या है टायर का, वो 195/70 R14 है, अच्छा ठीक है सही, चलें वो अभी आप बैलेंसिंग करेंगे तो वो भी देख लेते हैं, मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है, कि हम किस तरह से जो है वो अपना काम करते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं, ओके। अच्छा मोहित भाई ये चारों टायर अब पड़े हुए हैं, तो इसकी कोई कॉस्ट क्या, कस्टमर इमरान भाई सारे टायर्स जो है वो हमने बताए हैं, अपने कस्टमर को बताए हैं कि इस टायर में ये मसला है, इस टायर में ये मसला है, उसकी प्रॉपर हमने सेटिस्फेक्शन करवाई है, ताकि उसको ये ना फील हो
कि यार ये हमें इस दिन उन्होंने ऐसी रेट लगा दी है, हमने इनको एक एक टायर के बारे में जो जो नुक्स था वो बताया है, और जिस टायर में कोई नुक्स नहीं था उस पर अपने को ये नहीं बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी ये फिलहाल पुराना टायर रिम से उतर रहे हैं, ठीक है, और नए टायर इसमें फिट होने लगे। ठीक है, तो आप अच्छा मोहित अभी मुझे टायर दिखा दें जो कस्टमर को डालने हैं। जी मान भाई, ये टायर है नेक्सन का, आप देख सकते हैं साइज़ भी देख सकते हैं, इसके ऊपर मेंशन हुआ है 195/70 R40। ठीक है, ये भी हम इसको जो है ना इसकी डेट बताएं, ये भी खुलेंगे तो मैं आपको सर देंगे। ये चार टायर लगेंगे, ये वाले चार टायर, ठीक है। अभी तो ये तो प्रॉपर पैकिंग, प्रॉपर इंपोर्ट। ये देखिए आप उसकी रबर का टेक्सचर देखें, रबर की क्वालिटी देखें, बिल्कुल फाइन क्वालिटी है इसकी। इसका मुझे मेयर मैन्युफैक्चरर दिखाएं, ये भी मैं आपको देता हूँ। ये देखें इमरान भाई, ये अच्छा, ये 2021 का टायर है, फ्रेश, ओके, गुड हो गया। और ये इसका साइज है, एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा मोहित भाई, ये अब चार टायर खोल दें। जी इमरान, अब ये नए चारों के चारों डलेंगे, बिल्कुल फोर टायर से डलेंगे। ठीक है, चल ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी वो रिम तो खाली हो गए। अच्छा, इसमें आप कौन सी नोजल्स डालेंगे? आपने कहा था कि इसमें इमरान भाई नोजल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोजल इमरान भाई कस्टमर की डिमांड पे हम डाल रहे हैं, स्टील नोजल, और स्टील नोजल है, लेकिन इमरान भाई इसके चार्जेज हैं, क्योंकि ये इंपोर्ट होती है, प्रॉपर इंपोर्ट होती है, यहाँ से मार्केट में नहीं मिलती है, तो कस्टमर की डिमांड पे हमने ये नोजल डाला। उसको फिटिंग पीछे अंदर से करते हैं? जी, अभी जब फिटिंग होगी तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। चलिए, वो मुझे दिखा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। बशार साहब, आप मुझे बताएं, आप ये स्टील नोजल है, ये टायर में कहाँ लगेगी? ये बाहर से अंदर से फिट होती है, क्या होता है किसका? जरा हमें दिखाएं ना किस तरह फिट होती है ये नोजल। ऊपर लगी है, नीचे से जो है ना नाट जो है ना पेन के साथ जो है ना हम चाबी के साथ टाइट कर रहे हैं। सर ये करें ना आप, जरा दिखाएं मुझे कस्टमर के लिए, हम अपने व्यूअरशिप को दिखाएं कि कैसे होता है सारा। और ये हिलता नहीं है, ये अंदर से फिट हो जाता है? अंदर से फिट होगा, ये नोजल हिलेगी नहीं और ख़राब ही नहीं होगी। अच्छा, 5 साल भी अगर गाड़ी आपके पास है ना, अच्छा, तो ये नोजल ख़राब नहीं होगी। ठीक है, सही। नहीं तो अमूमन पंचरों वाले ये करते हैं, नोजलों को लाते हैं ना, तो नोजल क्रैक हो जाती है। ठीक है, रेलवे वाली स्टील वाली नोजल होगी तो ये क्रैक नहीं होगी। ये क्रैक नहीं होती, ज़बरदस्त है, लाइफ टाइम वाला सिस्टम है इसका। तो ये कि आप चारों टायरों में आप चार नोजल डाल दें, चार नोजल डाल देंगे रिमो के, ठीक है, अंदर डालेंगे ना तो फिर बाहर से कोई खोल नहीं सकता। अच्छा मोहित भाई, ये इसकी प्राइस क्या है? ये इमरान भाई वैसे तो उसकी प्राइस 700 है फोर नोजल्स, लेकिन अगर आप हमसे टायर डलवाते हैं तो ये हम आपको 500 की दे देंगे। अच्छा, इसके साथ आप फिर नाइट्रोजन गैस भी कस्टमर को डाल देंगे? इसके साथ जो है वो गिफ्ट है। अच्छा, गिफ्ट, ठीक है, थैंक यू। ये आप नजर देखें ना साहब, ठीक है, टाइट होगी, आप इसे जितना मर्जी लाएंगे। अच्छा, ये मतलब आप, ये आप, हाँ, जितना मर्जी लाए ना, ये नोजल तो हिलने वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा, जगह पे स्टील हो गया। तो आपका क्या ख्याल है बशार साहब, की स्टील नोजल ही डालनी चाहिए? हाँ, स्टील नोजल डाल। चलो, बहुत शुक्रिया। अभी इसके बाद आप टायर इसमें डालेंगे? आप जरा मुझे दिखाएं ना, आप इसको टायर कैसे आप फिट करेंगे, जरा वो फिटिंग दिखा दें थोड़ी मुझे नेक्सन की। आप एक टायर लें मुझे दिखाएं। ये अब नया टायर जो नेक्सन का भी कस्टमर ने लिया ना। जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये ऊपर जो है ना साबुन लगा रहे हैं ना। अच्छा, ये टायर आराम से फिट हो जाता है। अच्छा, ये तो वैसे भी रेडियल टायर होता है, इसमें ट्यूब तो होती नहीं है। ट्यूब नहीं होती है, बगैर ट्यूब होता है। ये आपने एक नंबर क्यों दिया? ये एक नंबर इसलिए कि नोजल का निशान है, इसके ऊपर वेट कम लगेगा। हाँ, वेट कम लगेगा। अच्छा, क्योंकि बैलेंसिंग जब आप करेंगे तो वेट कम लगेगा। ठीक है, अगर ये निशान अगर नोजल के ऊपर रखते हैं हाँ, तो वो वेट ज़्यादा लगता है। हाँ, इसे ठीक है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कस्टमर को। वैसे भी अच्छा, अभी ये बारी बार, ठीक है। चलिए व्यूअर, अभी हम आपको इसके बाद बैलेंसिंग बताएंगे, अभी तो ये टायर चढ़ा रहे हैं। ये जो है ना टायरों के अंदर नाइट्रोजन एयर जरूरी है, ठीक है,
इसमें जो है ना दो तीन महीने तक जो है ना हवा इसमें जो है ना कम होने वाला है, इसका ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा, ये नाइट्रोजन गैस चल रही है इसमें, ठीक है ठीक है ठीक। चल आम हवा दो तीन दिन बाद जो है ना दो चार पॉइंट पाँच छः पॉइंट तक हवा जो है ना कम होती है, नाइट्रोजन एयर कम नहीं। अभी इसके बाद इसकी बैलेंसिंग करेंगे, चलो वो फिर हम मुझे दिखाइएगा, क्योंकि आपने जहाँ पे एक नंबर डाला था ना नोजल के आगे, तो आपने बोला था कि वेट कम लगते हैं, तो वो मुझे फिर ज़रा दिखाइएगा क्या सीन है। अच्छा बशारत भाई, अब अभी आप हमें बताएं टायर बैलेंसिंग कैसे करेंगे आप नए टायर की? ये अभी रिंग की जो है ना साइड वाल चौड़ाई कितनी है, ठीक है, इस करके जो है ना मशीन की। ये कितने इंच का टायर है? ये 14 इंच साइज में, ठीक है। ये रिंग की साइड वाल है ना कितनी चौड़ाई है, ठीक है। ये रिंग की चौड़ाई है कितनी चौड़ाई है, और ये टायर साइज है 14 साइज, ठीक है। अब इसको जो है ना घुमाने वाला काम करेंगे ना टायर को, अच्छा, तो जितना फर्क आएगा वो वेट उधर लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फर्क यहाँ शो करेगा? हाँ, उधर मशीन के ऊपर आ जाएगा ना फर्क। ये अंदर वाली साइड पे जो है ना 15 ग्राम है, हाँ, और बाहर वाली साइड पे 30 ग्राम का, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि आपने अंदर को लगाना है बाहर को लगाना है? अंदर 15 ग्राम लगेगा और बाहर जो है ना 30 ग्राम लगेगा। अच्छा, तो ये टायर फिर ये जब ये 0-0 हो जाएगा तो इसका मतलब टायर बैलेंस हो गया। जी, अच्छा, अभी आप 15 लगा रहे हैं? हाँ, 15 अंदर से, ठीक है, 15 ग्राम। और ये बाहर 30 ग्राम लगेगा, ठीक है। अब दोबारा हम देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अगर फर्क आएगा तो फिर अभी शो हो जाएगा। अच्छा, अंदर से दोबारा, इसका मतलब 5-0, 5 ग्राम और लगाना है अंदर? 5 ग्राम का फर्क है, ये वेट को एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना। अच्छा, आगे ये कैसे एडजस्टमेंट होती है इसकी? ये थोड़ा सा आगे पीछे वेट को करना पड़ता है, अच्छा, उसमें 0 हो जाता है। अभी भी 5 का फर्क है। हाँ जी। अच्छा, ये टायर ऐसे बैलेंस होता है। ये व्यूअर्स हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं सारी चीज़ें ताकि आपको पता भी हो कि टायर बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, अब 0-0 हो गया, अब ये टायर बैलेंस हो गया। चल, बहुत शुक्रिया। अभी इसके बाद ये कि इसको आप गाड़ी पे चढ़ाएंगे, उसके गाड़ी के साथ करेंगे ना, ठीक है। तो जो मखसूस स्पीड के ऊपर जाकर वाइब्रेशन करती है ना, वो वाइब्रेशन नहीं करती है, ठीक है। चलें अभी, थैंक यू। अच्छा मुझे ये अभी हमने एक चीज़ नोट की है कि मैंने आपसे सवाल ये करना था कि हम लोग तो ये तो सादा रिम था ना, जी जी, तो इस पर ये लोहे का वेट लगता है, जी जी, तो अलारिम पे भी लोहे का वेट लगता है अगर अलारिम की बैलेंसिंग हो? नहीं इमरान भाई, सादे रिम पे जो है ना वो हम लोहे का वेट लगाते हैं, और अलॉय रिम्स पे जो है वो हम स्टिकर वेट लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर अलॉय रिम्स पे भी अगर हम इन लोहे वाला वेट लगवाएं तो उससे रिम जो है ना वो डैमेज हो जाता है आपका। अच्छा ठीक है, तो इस वजह से हम सादे रिम पे लोहे वाला लगाते हैं और अलॉय रिम्स पे हम जो है ना वो स्टिकर वेट लगाते हैं। अच्छा ठीक है, चलें वो फिर जब लगाएंगे इंशाल्लाह, जब इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे। थैंक यू। अच्छा व्यूअर्स, अब ये नया टायर फिट हो रहा है गाड़ी में, अब आपको दिखाते हैं। ये नेक्सन का टायर जो भी इन्होंने डलवाया था, ये अब आप देख लें, नेक्सन यहाँ लिखा है, नेक्सन का टायर है, ठीक है। इसका जो साइज है ये नया टायर फिट हो रहा है गाड़ी, ये होंडा सिविक है 2006-05 मॉडल। ये इसकी आउटर साइड है, ये आप देखें आउट साइड लिखा हुआ है इसका, ये देखिए ये आउट साइड है, ये लिखा हुआ है टायर का, ठीक है। और हम आपको अक्सर ये बताते थे जो ट्रेडवेयर होता है टायर का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसका ट्रेडवेयर 420 है जो कि बहुत ज़्यादा है, और ट्रेडवेयर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब टायर की माइलेज भी ज़्यादा होती है। अब ये दूसरा टायर भी पिछला भी फिट हो रहा है, इसका साइज है आपको पहले भी दिखाया मैंने 1974। प्रशांत भाई अभी हो गए टायर्स बस, बाकी इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा मुझे गाड़ी अब रेडी हो गई है? जी जी इमरान। अच्छा दिखाएंगे मुझे? रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। चारों टायर जो है वो हमने प्रॉपर फिटिंग की है, बैलेंसिंग की है, और नाइट्रोजन गैस निकाली है, ठीक है। और ये एक और भी मैं कुछ चीज़ बताऊँ, तो ये देखें
ये इस टायर की जो है ना ये आउटसाइड है, अगर आपको हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने जो इसका येलो डॉट है वो इसके अंदर वाली साइड पे ठीक है, वही हमने उस लिहाज से फिर येलो डॉट के साथ हमने फिर ये ताकि बैलेंसिंग वेट कम लगे, वेट कम लगे। और हमने कस्टमर को भी बता दिया है कि आप बेशक परमानेंट मार्कर से हल्का सा यहाँ पे निशान लगा दें ताकि आपका जो टायर है वो कम से कम वेट मांगे। चले ये जो चीज़ है ये भी हमने कस्टमर को बता दी। चले थैंक यू उमेश भाई, बहुत शुक्रिया।